सो हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोग देख सकते हैं हमारे साथ एक नए कैंडिडेट जुड़ चुके हैं जिनका नाम है सोनम मैम है। और आज इनका मतलब प्रॉपर अगर देखा जाए तो आज सेकंड डे है। प्रॉपर जो बोलते हैं ऐसे तो मैं एक दिन और गया था, बट आज सेकंड डे है इनका। और सेकंड डे के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा कर रही हैं, लेकिन थोड़ा सा अभी स्टार्टिंग में जो सारे लोग गलती करते हैं वही गलती यहाँ भी अभी कर रहे हैं। मैं इनको बताऊँगा, अभी जो इनका नज़र है वो नीचे रह रहा है, ठीक है, तो वो सामने देखना है आपको। और थोड़ा सा ये क्या होता है, स्टार्टिंग में जब भी आप लोग चलाते हो तो ये थोड़ी हैबिट लग जाती है, और जब हैबिट लग जाती है तो वो लास्ट तक आपका जाता है, आप लोग चाह कर भी फिर उसको ऊपर नहीं कर पाते। इसीलिए फर्स्ट डे से आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि हमेशा आगे देखना है, सामने कभी भी नीचे नहीं देखेंगे। सामने देखने के ये फ़ायदे हैं कि आपको जैसे आगे रोड पूरा दिख रहा है, क्लियर है, और नीचे का भी दिख रहा है, तो वो चीज़ आपको जब अच्छे से क्लियर होता है। नीचे देखेंगे तो सिर्फ कम स्पेस आपका कवर होता है, ठीक है। और बाकी आप मैम का हाथ देख सकते हैं कैसे एक्सेलेटर पे हो और वो हाथ ब्रेक पे है, ठीक है। तो आप लोग को भी बिल्कुल वैसे ही रखना है, अपने राइट हैंड को एक्सेलेटर पे रखना है और लेफ्ट हैंड को ब्रेक पे रखना है। बाकी पांव देख सकते हैं, दोनों पांव अभी नीचे है, ठीक है। मैं आपको फ्रंट से दिखा देता हूँ, सामने से दोनों पाँव आप मैम का नीचे है और मैम बढ़ा रही हैं खुद से, ठीक है। तो सबसे पहले इनके पहले इनको ड्रिल करवाया था, जो कि वीडियो आप डली हुई है आप लोग देख सकते हैं, वो ड्रिल वाली वीडियो जो कि हम लोग डबल स्टैंड पे करवा के छोटे छोटे स्टेप्स लगवाते हैं। तो अभी मैम का तो एक तरह से स्टार्ट हुआ है, लेकिन देखते हैं कितना दिन लगता है वो तो पता चलेगा। अभी इनका आज सेकेंड डे प्रॉपर अच्छे से हुआ है, जो कि फर्स्ट डे थोड़ा सा ड्रिल की थी, छोटे छोटे स्टेप्स, आज थोड़े थोड़े लंबे लंबे स्टेप्स ले रही हैं विदाउट मेरे सपोर्ट के, ठीक है। फर्स्ट डे मैं इनके सपोर्ट में था, साइड में मैं इनके खड़े था एक्सेलेटर लेकर, लेकिन आज ये थोड़ा थोड़ा खुद से बढ़ाना सीख रही हैं और इनको डाउन करना भी समझ में आ रहा है। ब्रेक ज़रूर यूज़ करेंगे, ठीक है, और थोड़ा सा सामने देखेंगे। तो आप लोग जहाँ भी सीख रहे हो, किसी भी ट्रेनर से सीख रहे हो या कहीं भी सीख रहे हो घर वाले से, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान देना है। सबसे पहले आपको छोटे छोटे स्टेप्स ही लगाने हैं, क्योंकि आपके पास बैलेंस नहीं होता है और आप लोग लंबे लंबे स्टेप्स ले जाने लगते हो उसमें गिर जाते हैं। तो ये जब छोटे छोटे स्टेप्स अच्छे से ये लगा लेंगे, देन इनको फिर थोड़ा सा स्टेप्स के लंबे करवाऊंगा, ठीक है। तो अभी मैं साथ में हूँ, लेकिन अब मैं बिल्कुल छोड़ दिया हूँ, ताकि ये कहीं भी थोड़ा सा गड़बड़ करे तो मैं इनको यहाँ पर साइड में पकड़ लूँ। तो जो भी सिखा रहे हैं वो कभी पीछे नहीं रहेंगे या आगे नहीं रहेंगे, हमेशा एक्सेलेटर के साइड रहेंगे जो भी सिखा रहे हैं। ताकि क्या होता है, एक्सेलेटर कहीं तेज़ देते हैं तो आप सबसे पहले एक्सेलेटर को पकड़ते हैं, ताकि उनसे वो गिरने से बच जाते हैं। बाकी देखते हैं मैम का ज़्यादा कितना समय लेती है, क्या होता है। ब्रेक से हमेशा रोकेंगे, पाँव से नहीं। देखिए, पाँव से रोकने के ये घाटे हैं कि आपकी जो गाड़ी है वो ज़्यादा इधर उधर मूव होगी। ब्रेक से हमेशा रोकना, चलते में कभी पाँव नहीं लगाना है, ठीक है। इसी वीडियो के साथ एंड करते हैं और आगे नेक्स्ट वीडियो आती रहेगी। So thank you so much for watching this video.